अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा इनवॉइस नंबर के हवाले से, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर्स आते हैं दराज के ऊपर तो हमें रेडी टू शिप करते हुए इनवॉइस नंबर अपनी तरफ से डालना पड़ता है। अगर हम उससे जान छुटाना चाहते हैं और अपने हाथों को जहमत नहीं देना चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है वो ऑटो जनरेट होता रहे और वहाँ पर लिखा हुआ आता रहे। देखें, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर रेडी टू शिप किया तो यहाँ पर देखें ये इनवॉइस नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अक्सर हमारे पास जो न्यू अकाउंट्स होते हैं, न्यू यूज़र्स होते हैं, उनका यहाँ ब्लैंक आता है और हमें डेली जो है जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनके इनवॉइस नंबर सेपरेटली डालना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए तो इसके लिए मैं प्रोफाइल में आया हूँ। प्रोफाइल में आके इनवॉइस नंबर के टैब है, इसमें आ जाएंगे। इसके ऊपर जब सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है देखें यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट, सबसे नीचे लिखा हुआ है ये प्रोवाइड मैनुअल नंबर, ये प्रोवाइड मैनुअल नंबर पर सेट होता है, इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। इसके अलावा यूज़ ऑर्डर नंबर भी लिखा हुआ है सेंटर के अंदर, इसको जो है मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे कर दिया। उसके नीचे और सबसे नीचे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, जितने भी अगर आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तो ज़ीरो डालें, और जितने आपके ऑर्डर्स आ चुके होंगे यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, या आप जहाँ से शुरू करना चाहें 100 से 200 से या 1 से आप यहाँ पर वो नंबर इन कर देंगे, फिर ये जो ऑर्डर्स हैं इनवॉइस नंबर वहाँ से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सेंटर वाला जो कॉलम है इनवॉइस प्रीफिक्स, इसके अंदर मैं चाहूँ तो कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ, जैसे कि मेरा शॉप का नाम है कॉटन क्वीन तो मैं CQ लिख सकता हूँ, या कोई भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरह से इनवॉइस नंबर के साथ ये कैरेक्टर ये अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने CQ लिख दिया तो CQ1, CQ2, CQ3 इस तरीके से ऑर्डर नंबर चलते रहेंगे। सारी चीज़ें आप सेट कर लें, इससे जो है काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। रोज़ाना आपके पास अगर 8-10 ऑर्डर आते हैं तो हमें 8-10 इनवॉइस नंबर, हर किसी का अलग इनवॉइस नंबर डालना पड़ता है। अगर हम सेट कर लेंगे तो हमें ये बार बार जहमत नहीं देनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों को और भी मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।